हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। थंबनेल से आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप जाते हो फाइल सबमिट के लिए, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं हम। फाइल सबमिट करते समय आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपका अपॉइंटमेंट का टाइम होगा, मेक श्योर आप उसी टाइम पे जाएं, क्योंकि उससे पहले आपको जाने देंगे नहीं। तो जैसे 9 बजे शुरू हो जाती है BFS की अपॉइंटमेंट और 5 बजे तक चलती होती है। तो इस टाइम पे आपने क्या ध्यान रखना है कि जब आप जा रहे हो तो मेक श्योर करो कि वहाँ पे आपने लॉन्ज नहीं लेना है। लॉन्ज एक किस्म का VIP सिस्टम होता है, कि जो वैसे VFS की जो फीस है वो 9500 है। तो अगर आप लॉन्ज लेते हो तो 2500 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लॉन्ज क्या है एक्चुअल में? VIP एक सिस्टम होता है। अगर मान के चलो कि आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे कम पड़ गए हैं, या आपने जीरोक्स कॉपी उसकी पूरी निकाली नहीं है, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे जीरोक्स कॉपी निकालने के लिए। इसे कहते हैं लॉन्ज। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, पूरी अपना काम पूरा काम करके गए होगे, आप पूरा जो भी आपका जो फाइल है उस पर पूरा आपने काम किया होगा, तभी आप जा रहे होगे। सो मुझे लगता नहीं आपको लॉन्ज लेना चाहिए। वैसे अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप लॉन्ज ले सकते हो। मेरी एडवाइस होगी कि लॉन्ज मत लेना, 2500 आप सेव कर सकते हो। और बात करेंगे कि इंटरव्यू कैसे होती है। आपने सबमिशन कर दिया, सबमिशन के बाद आप स्लिप लेके आ गए, तो आपने क्या करना है? मान के चलो अगर आज अगर आपने सबमिशन कर दी है फाइल, तो मेक श्योर उसी दिन से आप ये सोच लो कि 2 महीने तक आपने फ़ोन साइलेंस नहीं रखना है। 9 AM to 6 PM आपने फ़ोन साइलेंस नहीं रखना है। इसमें चांसेस होते हैं, फ़ोन एम्बेसी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता। कल ही मेरे दोस्त को इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, 62 डेज़ के बाद उसको कॉल आई है। उसे 4 क्वेश्चन पुट किए गए थे। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट है वो देख लेते हैं, अगर उनको कोई भी डाउट नहीं होता तो आपको कॉल नहीं करेंगे, वो सीधा वीज़ा स्टम्पिंग हो जाता है। इन केस अगर उनके उनको आपके डाउट्स में, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ डाउट लगा, तो डेफिनेटली दे विल कॉल यू। सो क्वेश्चन मेरे दोस्त से क्या पूछा गया, सबसे पहला जो क्वेश्चन उससे पूछा गया, व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर? तो इसका जो एम्बेसी का जो नंबर होता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो नंबर आप सेव करके रख लेना कि वो, जैसे मेरे दोस्त को तो मैं नंबर दिया हुआ था उसका, जो उसको जब फ़ोन आया तो उसने सेम टाइम पे वो पिक कर लिया था फ़ोन। तो उससे पूछा गया उसका पासपोर्ट नंबर। सेकंड क्वेश्चन पुट किया गया उससे, एम्प्लॉयर का नाम, कौन सी कंपनी में जा रहा है। और थर्ड क्वेश्चन पुट किया गया उससे, माल्टा के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको माल्टा का पता नहीं होता। मैं भी इसी से बिलीव करता हूँ कि मैनी ऑफ पीपल्स दे डोंट नो वेर इज़ माल्टा। एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट से पूछा गया कि आप किस काम के लिए जा रहे हो। इसमें पहले क्या हुआ था कि स्कैम भी बहुत हुए थे। मान के चलो कि कई के लोग हैं जो जो एजेंसीज होते हैं उनसे काम करवा लेते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत पुअर होती है। उन लोगों ने इंटरव्यू फेस भी नहीं की होती एम्प्लॉयर के थ्रू, क्योंकि उन लोगों की ऑलरेडी सेटिंग होती है एजेंसी की यहाँ पे माल्टा में, तो वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं वो। लेकिन वीज़ा प्रोवाइड करने के बाद अगर एम्बेसी से कॉल आती है, तो आपको इंटरव्यू फेस तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप इंटरव्यू में फेल हो गए तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा ही नहीं। तो फिर एजेंसी क्या करती थी, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पेश करते होते थे। नंबर जो लड़का है कैंडिडेट उसका रख लिया अपने पास, तो 2 मंथ के लिए फाइल सबमिट तो वही करके आएगा, उसके बाद उसके बिहाफ पे ही बात किया करते थे वो लोग। तो वैसे वीज़ा भी आया हुआ है ऐसे लोगों का, तो ऐसे चांसेस बहुत कम होता है। इसलिए वो एक एक चीज़ पूछते होते हैं। मान के चलो आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। अगर तो जेन्युइन बंदा होगा जिसका होगा, उसको तो पता ही है मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो क्विकली जल्दी से आंसर दे देगा। लेकिन जैसे पासपोर्ट का नंबर है, हर बंदा याद नहीं रखता है, तो उसको भी, जो जिसका पर्सनल पासपोर्ट होगा उसको भी नहीं पता होगा कि मेरा पासपोर्ट नंबर क्या है, जब तक वो याद ना रखे। डेट ऑफ इशू क्या है पासपोर्ट की, है डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, वो भी याद रखता नहीं है। जो तो एजेंट होगा उसको तो याद रखना पड़ जाएगा, जैसे हाउस नंबर हो गया आपका, एड्रेस हो गया पासपोर्ट पे, ये तो याद रखने वाली चीज़ नहीं है। बंदे को जिसका हाउस है उसको पता ही है, वो तो फ्लेंट उसका आंसर दे देगा। लेकिन जो एजेंट होगा उसमें फंस भी जाते हैं वो, थोड़ा थोड़ा सा सोचेंगे कि यार क्या था हाउस नंबर उसका। ये चीज़ होती है ध्यान देने वाली। कई के लोगों ने ऐसा किया था, स्कैम भी हुआ था।
तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर इंटरव्यू खुद उसकी प्रिपरेशन करें, एजेंट के चक्कर में ना पड़े आप। कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, अगर इन केस कॉल आता है आपको एम्बेसी की तरफ से। 9 to 6 के बीच में ही आएगा, उससे पहले आएगा नहीं। सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, सो 5 डेज के लिए आप प्रिपेयर रहो। फ़ोन साइलेंस रखना, फ़ोन को आपने साइलेंस नहीं रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको बता दिया, पासपोर्ट नंबर आप याद रखो अपना, जो भी आगे से कैपिटल वर्ड है सारा का सारा बताना है आपने। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई यू चूज़ माल्टा। आपको बताना है कि माल्टा को आपने चूज़ क्यों किया है। इसका आंसर आप वो अच्छा दे सकते हो, आई चूज़ माल्टा बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ द माल्टीज, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड विच इज़ नाइस एंड आई कैन कम्युनिकेट इजीली, दैट्स वाई आई चूज़ माल्टा। एंड द सैलरी इन माल्टा इज़ वेरी गुड कम्पेयर विद अदर यूरोपियन नेशन। आप ये बोल सकते हो, बहुत इजी आंसर है। और थर्ड वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, वेर इज़ माल्टा लोकेटेड। बहुत इजी आंसर देना, लंबा नहीं बताना आपने। माल्टा जैसे हम इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये साउथ एशिया में पड़ता है। सेम माल्टा भी साउथ यूरोप में पड़ता है। इजी है, बहुत इजी है। माल्टा लोकेटेड इन साउथ यूरोप नियर टू सिसिली इटली एंड तुनीशिया एंड लीबिया। माल्टा इज़ अ स्मॉल आइलैंड कंट्री सिचुएटेड इन द मेडिटेरियन सी। देर इज़ अ 3 आइलैंड, माल्टा, गोजो एंड कोमिनो, विच कंसिस्ट, माल्टा इज़ अ लार्जेस्ट आइलैंड। दैट्स इट, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। और कैपिटल सिटी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ माल्टा। आपने बोल देना वैलेटा। और इसके जो मेन मेन सिटी से वो याद रख लो, माल्टा हो गया और विक्टोरिया हो गया, सेंट जूलियस हो गया और मदीना हो गया, ये सिटीज़ हैं, ये याद रख लो आप बस। व्हेन डिड यू अप्लाई, आपने पोजीशन के लिए कब अप्लाई किया था, मेक श्योर आपको पता होना चाहिए आपने कब भी अप्लाई किया था। उनको एग्जैक्टली पता नहीं आपने कब अप्लाई किया है, बस वो पूछ लेंगे आपको देखने के लिए कि आपको पता भी है आपने कब अप्लाई किया था। और उनका एक क्वेश्चन हो सकता है, विच पोजिशन यू अप्लाइड, मेक श्योर जो भी आपने पोजीशन अप्लाई किया है आपको पता होना चाहिए, और वो आपके बारे में पूछ सकते हैं। ओके अगर आप बोलोगे आई अप्लाई फॉर सिक्योरिटी गार्ड, देन मेक श्योर दे विल आस्क यू, ओके गिव मी द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है। बहुत ईजी आप सिक्योरिटी के बता सकते हो, सिक्योरिटी मीन्स प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर अ पीपल। बहुत ईजी आंसर है ये, आप ये बता सकते हो। डिलीवरी के बारे में पता पूछ सकते हैं, ओके अगर बोलोगे मैं डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ, टैक्सी के लिए जा रहा हूँ, बहुत इजी आंसर है, आप ये बोल सकते हो। अगर पूछ लें आपको, ओके डिलीवरी के लिए जा रहे हो, ओके टेल मी अबाउट द डिलीवरी जॉब, बोल दो व्हेन आई गॉट द एनी ऑर्डर आई नीड टू गिव टू द कस्टमर इन अ टाइमली मैनर एंड सेफ मैनर। आप ये इजीली उसका आंसर दे सकते हो। और कंपनी का नाम क्या है, मेक श्योर दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन। ओके विच कंपनी यू अप्लाइड, विच वेयर इज़ द कंपनी लोकेटेड एंड कंपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, दे विल आस्क यू। और ये भी पूछ सकते हैं आप आपसे कि आपका इंटरव्यू लिया गया था, जब आपने पोस्ट अप्लाई किया था आपने इंटरव्यू दिया था, आपने बोलना येस मैंने इंटरव्यू दिया था। आपको नाम स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं है कि किस क्या बंदे का नाम था, क्योंकि एचआर की तरफ से होता है तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है इंटरव्यू दिए हुए आपको। तो आप भी ये बोल सकते हो, येस माई इंटरव्यू वॉज टेकन बाय फीमेल एचआर रिप्रेजेंटेटिव। आप इतना बोल दो, इजी रहेगा ये। और हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब, जो तो खुद अप्लाई कर रहे हैं उनको तो पता है कि उन्होंने कैसे जॉब अप्लाई किया है, कैसे जॉब उनको मिला है। जो लोग एजेंसी के थ्रू करवाते हैं काम, तो मेक श्योर आपने यही बोलना है, ऑनलाइन इन फेसबुक गूगल जहाँ से भी ऐसे आपने बता देना है, इन साइटों से मुझे जॉब मिली है। क्योंकि आपने एजेंट का नाम कभी लेना नहीं होता कि मैंने एजेंसी के थ्रू आया हूँ, मैं एजेंसी के थ्रू मैंने काम करवाया। अकोमोडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे विल आस्क यू वेयर इज़ योर अकोमोडेशन एंड हु इज़ योर लैंडलॉर्ड, दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड यू नीड टू गिव देम नीड टू गिव राइट आंसर। क्योंकि अपार्टमेंट डेफिनेटली जब आप आओगे तो आपने तो अकोमोडेशन में ही जाना है, जो भी आपने बुक किया होगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा मेरा अकोमोडेशन कहाँ है तो आप कहाँ जाओगे। तो जो बनाते हैं, जो आपने सबमिट करनी होती है वो तो ऑलमोस्ट डमी होती है, आप तो यहाँ के अलग से ही दूसरा अकोमोडेशन देखोगे, लेकिन जो आपने डमी की है आपको उसके बारे में पता ना है। ट्रैवल के बारे में बता सकते पूछ सकते हैं, ओके
टिकट कौन सी आपने ली है ना, कहाँ से रूट क्या है उसका, इंश्योरेंस कितने की ली है आपने, ये चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। और आपसे ये पूछ सकते हैं सैलरी के बारे में, पूछेंगे आपसे ओके हाउ मच योर सैलरी, आपको पता होना चाहिए सैलरी। और ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी आवर आपने ये बोल देना है कि इन अ वीक 40 आवर्स, मतलब यूरोपियन में क्या होता है कि 40 आवर्स की जो इनका जो गवर्नमेंट का लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग 40 आवर्स की ड्यूटी होती है इन अ वीक। और इसके साथ मैं एक ऐड कर देता हूँ, जब आपने फाइल सबमिट करनी है तीन चीज़ों को आपने मेक श्योर आपने नोटरी करवा के ही देना है। आप एक तो कोविड का सर्टिफिकेट, जिन्होंने सिर्फ दो वैक्सीन ली है मैं रेकमेंड करूँगा थर्ड डोज भी आप ले लो, बेटर रहेगा। थर्ड डोज लेने के बाद आप उसको नोटरी करवा लो। और सेकंड डॉक्यूमेंट इज़ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसको भी नोटरी करवाना है। एंड थर्ड एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट इतना कंपलसरी नहीं है कि आपको जमा ही करवाना है, अगर है तो मच बेटर, नहीं है तो नो इशू। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नोटरी करवानी है। अदर्स जितने डॉक्यूमेंट हैं आपको पता ही है कौन कौन से हैं, वो आपको नोटरी करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकोमोडेशन हो गया, आपका कॉन्टैक्ट लेटर हो गया, और इनविटेशन हो गया, इनविटेशन लेटर हो गया कंपनी की तरफ से। ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी माल्टा से नोटरी होकर आती हैं, तो आपको ये नोटरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं यू कैन कॉमेंट, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।